दिस कॉन्फ्रेंस विल नाउ बी रिकॉर्डेड। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबका? ठीक है। अच्छा, काफ़ी दफ़ा मुझसे ये सवाल किया गया जो इनबॉक्स में आके और ईमेल करके और व्हाट्सएप पे भी, कि शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग का हम लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया, उसमें जो है हम फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए लगा रहे हैं और हमें 3 लाख का ऑर्डर आ रहा है या 2.5 लाख का ऑर्डर आ रहा है या 2 लाख का ऑर्डर आ रहा है, एग्जांपल है। तो उसकी जो एवरेज ऑर्डर की जो वैल्यू है उसको हमने कैसे इंक्रीज करना है। कुछ लोग सवाल कर रहे थे हमने अपनी सेल को इंक्रीज कैसे करना है, और कुछ लोगों का सवाल था कि नए स्टोर पे लोग कैसे यकीन कर लेते हैं। तो ये तीन जो टॉपिक थे बार बार पूछे जाने वाले, तो मैंने ये सोचा कि इसको एक लेक्चर के तौर पे आप लोगों को बता दिया जाए, ताकि जो जो लोग ड्रॉप शिपिंग के बिजनेस मॉडल पे काम करें उनको फायदा हो सके। अच्छा, आप लोगों को मतलब बेसिक तो मैंने सारा बता दिया था, जो पिछले लेक्चर्स हैं शॉपिफाई के बारे में उसमें मैंने डिटेल में आप लोगों को बताया हुआ है। आज जो है हम उससे थोड़ा सा नेक्स्ट चलते हैं। आप ये हमारा फॉर एग्जाम्पल शॉपिफाई स्टोर है, ठीक है। आपने क्या करना है, इसमें आपने ऐप इंस्टॉल करनी है, और बेसिकली एवरेज ऑर्डर वैल्यू इसके, अगर आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म कोई भी देखो शॉपिफाई के, जहाँ भी आप सर्विसेज दे सकते हो, या आप अपने स्टोर की भी ग्रोथ के लिए अगर बात करो कि पैसे आपने नहीं बढ़ाने, यानी कि जो आपकी एड की कॉस्ट है ना वो आपने नहीं बढ़ानी। फॉर एग्जाम्पल आप 1 लाख की एड चला रहे हो तो आपने एड वही चलानी है, बट आपका जो कस्टमर आपको पे करके जाएगा वो ज्यादा पे करके जाएगा, ठीक है। उसको बोलते हैं एवरेज ऑर्डर वैल्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये अगर आपको समझ आ गया तो आप पहले जो 1 लाख की स्पेंडिंग पे फॉर एग्जाम्पल 2 लाख के ऑर्डर ले रहे थे ना, तो वो 3 से 4 लाख पे जंप कर जाएगा। ये मैंने मल्टीपल स्टोर पे ये जो है आप कह लो टेक्निक या कह लो कि ये तरीकाकार अपनाया है, और ओवरऑल पूरी दुनिया में इसी तरह से ही होता है कि एवरेज ऑर्डर वैल्यू बढ़ाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल पहले आपकी एवरेज ऑर्डर वैल्यू थी 2,000 रुपये, तो जब आप ये अप्लाई करते हो ना, तो ये वो 2,500 3,000 रुपये 3,500 तक चली जाती है, ठीक है। आपकी जो बजट होता है उसको आपको छेड़ने की जरूरत नहीं होती। ये एग्जाम्पल है, एक मुझे ऐप नजर आ रही है, ठीक है, हनी कॉम के नाम से, अपसेल एंड क्रॉसेल। ये आपको इसका डेमो अगर हम देखें, इसमें डेमो में इन्होंने बताया हुआ कि पोस्ट परचेज, यानी कि क्या होता है ये, जस्ट अ मिनट इसको आप देखो कि ये क्या बता रहे हैं, कि जब कोई कस्टमर है उसने कुछ परचेजिंग की हमारे स्टोर पे, उसने सारी डिटेल वगैरह फिल कर दी, ठीक है, ओके, उसने हमारे कस्टमर ने हमारे स्टोर पे डिटेल वगैरह फिल कर दी, जैसे उसने पे कर दिया, अब उसको एक नेक्स्ट एक ऑफर हमने दिखा दी, इस बेसिकली प्लगइन ने दिखा दी, ठीक है, एवरेज ऑर्डर वैल्यू इंक्रीज करने के लिए एक और प्रोडक्ट दिखा दी। अगर कस्टमर ने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो वो परचेज कर लेगा, और वो हमारा, यानी एक ही कस्टमर ने दो प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर दी। पहले एक प्रोडक्ट तो उसने ऑर्डर कर दी थी, उसकी पेमेंट भी कर दी थी, और उसके फौरन बाद उसने दूसरी दूसरे प्रोडक्ट ऑर्डर कर दी। इसको बोलते हैं पोस्ट परचेज, वन क्लिक अपसेल, ठीक है। दूसरा प्री परचेज अपसेल फनल, ठीक है, इसको समझना है। ये कार्ट पेज पे होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना वो सेटिंग है जो आपके स्टोर में होनी चाहिए, ठीक है। इससे पहले आपने ये चीज पे कभी गौर नहीं किया होगा, आपने जहां से भी ट्रेनिंग ली होगी या आपने यूट्यूब पे वीडियो देखी होगी किसी की, आपने जस्ट क्या किया, आपने स्टोर बनाया, आपने ऑर्डर लिए, आपको कस्टमर की कॉस्ट पे कहा गया कि सीपीए पे डिपेंड करो, ठीक है, सीपीए को पे ध्यान दो, ठीक है, आपने उन्हीं चीजों को फॉलो किया। अब कोई कस्टमर ने ये प्री प्री परचेज अपसेल फनल है, एड टू कार्ट किया, प्रोसीड टू चेकआउट पे वो क्लिक करेगा कस्टमर, उसको ऑफर नजर आ जाएगी कि ये कुछ कुछ देर के लिए ये ऑफर है, इसके बाद ये खत्म हो जाएगी, इसको आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। 4 मिनट की एक्सपायरी थी, उसने उसको भी ऐड कर दिया, वो जो प्रोडक्ट हम हमारे इस प्लगइन ने दिखानी है। ये प्लगइन जो यूज होते हैं ना, इन प्लगइन्स को बोला जाता है एवरेज ऑर्डर वैल्यू इंक्रीज करने के लिए। बात समझ आ रही है, एवरेज ऑर्डर वैल्यू इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि
ये प्लगइन्स हम इंस्टॉल करते हैं, इसको सिंपल आपने इंस्टॉल पे क्लिक करना है और इस तरह के आपको और भी प्लगइन्स मिल जाएंगे, बट आपने ये टर्म समझनी है, दिस थिंग इज कॉल्ड बेसिकली एवरेज ऑर्डर वैल्यू। ये आपके स्टोर में जो है आपने अप्लाई करना है, कोई भी आप ऐप इंस्टॉल करो, ये कोई जरूरी नहीं कि आप ये वाली करो, बट आपने ये चीज को समझना है कि एक कस्टमर आपसे पहले एक प्रोडक्ट ले रहा था, अब वो दो या तीन प्रोडक्ट्स लेगा, ठीक है। आपने क्या किया, जब तक आप उसको ऑप्शंस ही नहीं दिखाओगे तब तक तो वो परचेज नहीं करेगा ना। अब आप उसको ऑप्शन दिखा रहे हो तो वो परचेज करेगा, और उसको लिमिटेड टाइम के लिए दिखा रहे हो। ये मैं फ्री वाला इस टाइम यूज करूं, एग्जाम्पल आपने चूज करके इसको आप क्रिएट फनल इस पर क्लिक किया, ठीक है। उसके बाद इसने रेंडमली प्रोडक्ट निकाल लेनी है आपके स्टोर से। मैंने तो इसमें इस स्टोर में दो प्रोडक्ट ऐड की हुई है, सेव एंड लॉन्च। उसने एक प्रोडक्ट को फनल के तौर पर लॉन्च कर दिया हुआ है, ठीक हो गया। ये जी सेव डिजाइन, ये लो, ये हो गया। अब जब भी कस्टमर जो है, ये अपसेल है, ठीक है, जब भी कस्टमर मेरे कार्ट के पेज पे आएगा, उसको लिमिटेड टाइम के लिए मेरी दूसरी प्रोडक्ट नजर आएगी, ठीक है। और उससे क्या होगा कि उसको कहा जाएगा कि ये 5 मिनट के लिए ये ऑफर है, आप इसको परचेज कर सकते हो, अदरवाइज की प्राइस बढ़ जाएगी, वो परचेज कर लेगा। अच्छा, सेकंड में इसको रिकमेंडेड फनल नंबर एक्शन इसको भी एनेबल कर दूंगा, तो क्या होगा, वो जैसे मैंने अभी आपको वीडियो दिखाई है कि जैसे ही कस्टमर एक प्रोडक्ट परचेज करेगा उसको दूसरी प्रोडक्ट की ऑफर नजर आ जाएगी, और वो जब उसको भी परचेज करेगा, इस तरह हमारी एवरेज ऑर्डर वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। ये आपको कहीं पे भी इंशाल्लाह यूडीपी यूट्यूब कहीं पे भी सीखने को नहीं मिलेगा, ये आपको उसी बंदे से सीखने को मिलता है। जैसे हमारे पास मल्टीपल क्लाइंट्स हैं यूएई के अंदर, यूएसए के अंदर, यूके के अंदर और पाकिस्तान के अंदर, हम उनके लिए काम कर रहे हैं, तो हम सर्विसेज प्रोवाइड करें, तो हम डिफरेंट जो है एक्सपेरिमेंट करते हैं और कस्टमर को ज्यादा जो है वो रिजल्ट आकर देते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हम जो है वो एवरेज ऑर्डर वैल्यू इंक्रीज करते हैं। दूसरा जो सवाल था गया कि सेल को इंक्रीज कैसे किया जाए। मैं अक्सर दिखाता होता हूँ कि जो आप कहीं से भी कोटेशन लेते हो ना, तो वो बताते हैं कि हम 50,000 के बदले में आपको 1 लाख के ऑर्डर ला कर देंगे, बट मेरे पास जब कस्टमर आते हैं मैं उनको दिखाता हूँ अपने कस्टमर के स्टोर की जो अर्निंग होती है वो दिखाता हूँ। स्टोर हम नहीं दिखाते, हम स्टोर की अर्निंग दिखाते हैं, ठीक है, क्योंकि प्राइवेसी की वजह से। तो हम जब दिखाते हैं तो कस्टमर हैरान हो जाता है कि फॉर एग्जाम्पल हमने 1 लाख रुपए की स्पेंडिंग की है तो 4 लाख तक के ऑर्डर दिखाए हुए हैं, ठीक है, लेकर आए हुए हम लोग। तो जब वो ये चीज देखते हैं ना तो वो हैरान होता है। और उसके अलावा भी काफी दफा मुझसे पूछा गया कि हम फॉर एग्जाम्पल हमारा लिमिटेड बजट है, 1 लाख का बजट है, हमने अपनी जो है वो सेल को कैसे इंक्रीज करना है, आप सर क्या क्या करते हैं अपनी सेल को इंक्रीज करने के लिए। मैं एग्जाम्पल है, मैं अपने स्टोर को ओपन करता हूँ, ठीक है। जो सबसे बड़ी गलती करते हैं ना, वो मोस्टली चीजें आप लोग देखते हो, आप लोग ना होम पेज पे फोकस कर देते हो, एक्चुअल में कस्टमर ने आना होता है प्रोडक्ट पेज के ऊपर। आपको जो ऑर्डर मिलना है वो प्रोडक्ट पेज से ऑर्डर मिलना है, प्रोडक्ट पेज को आपने देखना होता है, ठीक है। आपका जो ऑर्डर इंक्रीज होता है ना, वो ऑर्डर इंक्रीज होता है प्रोडक्ट पेज की वजह से। आपके प्रोडक्ट पेज पे ऑफ मतलब 30%, 40%, 50% ऑफ होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि इतने जो है वो रह गए पीसीज रह गए हैं स्केसिटी के लिए, ठीक है। उसके बाद कितने देर के लिए ऑफर है, ये जो चीजें हैं ना, ये आपके जो ऑर्डर है उसको बढ़ाती हैं। एक्चुअली मैं तो थीम यूज करता हूँ, बूस्टर थीम, और इस तरह के ऐसे थीम्स को मैं रिकमेंड करता हूँ जिन पे ये ऑप्शंस पहले से ही दिए हुए हैं, ठीक है। ये ऑप्शंस, इस तरह के ऑप्शंस वाले थीम यूज करने चाहिए। बिल्कुल बेसिक जो थीम होते हैं ना, उसमें फिर आपको सेटिंग करनी पड़ती है, मुख्तलिफ प्लगइन इंस्टॉल करने पड़ते हैं, और फिर आपका प्रोडक्ट पेज बेहतरीन होता है, अदरवाइज आपको अच्छे ऑर्डर नहीं आते, ठीक है। एक अच्छे ऑर्डर से मुराद ये होता है कि एग्जाम्पल है, और लोगों को पर कस्टमर, पाकिस्तान की बात करें, और लोगों को कस्टमर पड़ रहा है फॉर एग्जाम्पल 400 का, और जो मैं जब हम लोग कैंपेन चलाते हैं प्रोफेशनल लेवल पे, हमें 66 रुपीज का, 70 रुपीज का, 90 रुपीज का कस्टमर पड़ रहा होता है, तो ह्यूज डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस किस वजह से होते हैं, हमने मुख्तलिफ चीजें चेक की होती हैं। वही मैं आप लोगों को आज समझा रहा हूँ कि आपने जो फोकस करना है ना, वो सिर्फ होम पेज को नहीं सेट करने में करना होता, आपका कस्टमर आना है, आपको बाइंग देनी है प्रोडक्ट पेज ने, अपने प्रोडक्ट पेज को बेहतरीन बनाओ, बेहतर से बेहतरीन बनाओ, तो आपको जो कस्टमर की कॉस्ट कम पड़ती है वो आपकी प्रोडक्ट पेज की वजह से पड़ती है। अपकमिंग एक और लेक्चर आप लोगों को दूंगा, अगर आप लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया, इस वीडियो को शेयर किया ज्यादा से ज्यादा लोगों पे के साथ, और आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा, तो आप लोगों के साथ एक और चीज शेयर करूंगा कि बगैर स्टोर बनाए आपने कैसे ऑर्डर लेने हैं पाकिस्तान के अंदर और यूएई के अंदर, ठीक है, कैसे ऑर्डर लेने हैं बगैर स्टोर बनाए, वो आप लोगों के साथ मैं स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा, बट आप लोगों के रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है ये चीज। अच्छा, तीसरी और आखिरी चीज जो आप लोगों को
आने वाली है जो बहुत जरूरी है कि काफी सारे लोग हैं जो न्यूबीज हैं और वो स्टोर स्टार्ट करते हैं, स्टोर स्टार्ट करते साथ ही उनको वो ये सोचने लग जाते हैं कि मेरा तो नया स्टोर है, मेरे स्टोर पे कैसे क्यों कस्टमर ऑर्डर करेगा। तो मैं आप लोगों को ये साथ साथ बताता चलूं कि कस्टमर को आपका जो फेसबुक का पेज होता है ना, फॉर एग्जाम्पल आपने फेसबुक पे ऐड चलाई है, फेसबुक का पेज है, उसके फॉलोअर फौरन नजर नहीं आते, उसके 0 फॉलोअर होते हैं, उसके 10 फॉलोअर है एग्जाम्पल है या 50 फॉलोअर है, वो फॉलोवर देख के ऑर्डर नहीं करता। वो उसको जो आपकी एड होती है ना, आपने अपनी एड इतनी अट्रैक्टिव बनानी होती है कि या वीडियो एड करो या आप इमेज जो एड कर रहे हो अपनी एड के अंदर, एड क्रिएटिव जो होते हैं आपके, वो इतने अट्रैक्टिव होने चाहिए कि वो कस्टमर को पूरा मैसेज कन्वे कर सके। ठीक है, अच्छा वो जो है वो क्लिक करके यूजर शॉप नाउ पे क्लिक करके आपके स्टोर पे आके ऑर्डर कर देता है, ऑर्डर प्लेस कर देता है आपके स्टोर पे। बेसिकली आपको ये समझाता चलूं बात, तीसरी और आखिरी और इंपॉर्टेंट बात 2023 की ड्रॉप शिपिंग के हवाले से, ये सुनते चलो। आज 31 दिसंबर 2023 है और रात के तकरीबन 9:30 बज रहे हैं। आपको ये बात बताता चलूं, आपको जो कस्टमर को ट्रस्ट होता है ना, ट्रस्ट उसका बिल्ड होता है, नए स्टोर हो या पुराना स्टोर हो, उसको वो जो चीज आकर देखता है ना एज अ कस्टमर, अगर मैं भी चीज देखता हूँ, रिव्यूज, ये रिव्यूज आपके स्टोर में होने चाहिए, 20, 30, 40, 50, 100, 150, 200, 500, 1000। ठीक है, मैं तो अपने जो हमारे क्लाइंट के स्टोर होते हैं हम उसमें अच्छे खासे रिव्यूज ऐड करते हैं और उनको इतना ऑर्डर पे मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी रिसेंटली एक स्टोर पे हमने यूएई के अंदर काम करके दिया है और 23 दिन में उनको तकरीबन 2,13,000 की सेल दी है, दिरहम, 2,13,000 दिरहम की, पाकिस्तानी तकरीबन 1,60,00,000 बनते हैं। वो आप लोगों के साथ वो वीडियो भी शेयर करूंगा अपनी वॉल पे, वो देखिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को मोटिवेशन मिलेगी और आप लोगों ने अगर इस लेक्चर से सीखा है तो अपने वॉल पे भी इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी।